हेलो फ्रेंड, तो फिर से स्वागत है मेरे इस एक नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ वही पुराना वाला माइनक्राफ्ट। बट नहीं 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 खेलने वाला नहीं हूँ, खेलने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी खेलने वाला नहीं हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाला है, जैसे कि तुम लोगों को पता है हम लोग का एक स्टोरी टाइम सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं तुम लोगों को एक रियल सच्ची घटना पे आधारित हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैं तुम लोग को एक और न्यू स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि सुन के दिल दहल जाएगा, जो सुन के दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, थर 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 कांपने लगोगे। लेकिन लेकिन आज मैं नहीं सुनाऊंगा, आज मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, मैं बार बार सुना सुना के थक गया हूँ। तो आज इस वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है जो कि मेरी दोस्त है। हाँ, मेरी दोस्त है यानी लड़की है, ठीक है। तो वो सुनाएगी अपनी रियल स्टोरी, वो अपने रियल इंसिडेंट, रियल स्टोरी, अपनी रियल घटना हॉरर स्टोरी तुम लोगों को सुनाएगी। तो तुम लोग सुनो और इंजॉय करो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और शेयर भी कर देना ना दोस्तों को, यार थोड़ा सपोर्ट करो ना यार। चलो वीडियो की तरफ, और ये होने वाला है एपिसोड 4 स्टोरी टाइम का हॉरर स्टोरी, ठीक है। तो चलो सीधे मिलते हैं वीडियो में। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहा करती थी। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में ही रहना पड़ता था। जब मेरे पापा को प्रमोशन हुआ तो हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मैं तो बहुत खुश थी कि अब मुझे अपना एक अलग कमरा मिलेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस दिन से हम उस घर में शिफ्ट हुए थे तब से मुझे एक अजीबोगरीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी उस घर में। उस घर में ना मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई थी, देर रात तक टीवी देखा करती थी मैं, और मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन दूसरे कमरे में जाकर पहले ही सो जाते थे, जल्दी से सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रही थी तो अचानक से मुझे रूम के बाहर से आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि मम्मी उठी होंगी पानी वानी लेने के लिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन टीवी का आवाज़ थोड़ा ना धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद ना फिर से वैसी ही आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई बाहर से औरत चल के जा रही, पैरों में पायल पहन के, तो छन 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 की आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ ना फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। फिर ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। आवाज़ तो लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर छन 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई भारी पायल पहन के बाहर की ओर जा रहा हो। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लग गया, ऐसा लग रहा था कि बस अभी मेरा दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या, एक तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूँ। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वही आवाज़ बिल्कुल सामने से सुनाई दे रही थी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़, ऐसा लग रहा था कि बस कोई औरत ना मेरी तरफ ही चल के आ रही है गेट खोलते, बस ऐसा लग रहा था कि आप मेरी ओर बढ़ रहे हो, तो मेरे को तो और डर लगे जा रहा था। और वो आवाज़ ना बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी कि बिल्कुल कोई मेरी तरफ ही चल के आ रहा है, ऐसा लग रहा था। फिर मैं ये सारी बातें बताने के लिए अपने मम्मी पापा के पास गई, तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताई, तो लेकिन ना वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ है, और फिर वो शायद नींद में होंगे अभी, तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर मैं उनके साथ ही फिर कमरे में सो गई, और फिर ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। फिर एक देर रात हुई तो फिर मुझे छन 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 की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। धीरे धीरे मुझे इस आवाज़ की आदत ही पड़ गई। फिर ये आवाज़ आने का वैसे तो कोई टाइम तो था नहीं, कभी रात के 10 बजे 11 बजे ऐसे आती थी, लेकिन ये बात तो फिक्स थी कि वो आवाज़ आएगी ही आएगी, और वो सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी, मेरे घर में किसी और को सुनाई ही नहीं देती थी। कभी कभी तो मुझे डर भी लगता था, लेकिन फिर आदत सी हो गई थी मुझे इस आवाज़ की। लेकिन ये बात थी, उस आवाज़ से या जो भी मेरे साथ हो रहा था उससे मेरा कभी कोई नुकसान तो हुआ नहीं। फिर 8-9 महीने बाद हमने एक नया फ्लैट ले लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह नए लोग, फिर जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ पर कुछ और लोग रहने के लिए आ गए थे। उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं वो तो था लड़का।